युवा हिंदू प्रचारक शेरे हिंद धनंजय देसाई ने संत श्री आशाराम जी बापू का पूर्ण समर्थन करते हुए दिल खोलकर अपने विचारों को रखा। उन्होंने कहा कि बापू जी द्वारा करवाए जा रहे समाज उत्थान के कार्यों को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत संतों के मार्गदर्शन में ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है, इसलिए बापू को जेल में रखना बेहद निंदनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि वह आत्म स्तर पर कहते हैं कि बापूजी पर लगे सभी केस बेबुनियाद और झूठे हैं और उन्हें घिनौने षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, इसलिए सभी भारतीयों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। देखिए, भारत की वास्तविक परिस्थिति बहुत भीषण है और आध्यात्मिक स्तर पर काम करने वाले जो भी योगी योद्धा है वो निष्प्रोह निष्पाप होते हैं। वो जो भी है वो सत्य का कथन करते हैं। सत्य भले ही भीषण हो, भयंकर हो, उनकी उनके अस्तित्व के ऊपर भी संकट आता है तो भी संत सत्य बोलते हैं। और सत्य बोलने वालों में से प्रमुख संत है श्री आशाराम जी परम पूज्य आशाराम जी बापू जी। बापू जी का चरित्र देखा जाए, उनका जीवन काल देखा जाए तो उन्होंने भारत भर में साधारण भारतवासियों को, भारत भूमि की संतानों को जिस ढंग से साधना में उतार दिया और साधारण से साधारण व्यक्ति भी साधना संपन्न होने लगा, इससे जो परकीय चरित्रहीन भारत को मिटाना चाहते हैं विदेशी शक्तियां, जिसमें ईसाई मतांतरण है और जिहादी आतंकवाद है, इनकी कूटनीति के तले भारत भूमि के ये महान योगी योद्धा आज कारावास में पड़े हुए हैं। बहुत सारे हिंदू मुझे भी मिलते रहे हैं कि जो अचंभित होकर मुझसे पूछते, आप आशाराम बापू के समर्थन में बात कर रहे हैं, आपको मालूम है आशाराम बापू रेप में है? तब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप वीडियो शूटिंग निकाल रहे थे क्या उस समय? 150 देश ईसाई बनाने वाले ईसाइयों से नहीं हारे, 56 देश इस्लामिक बनाने वाले जिहादियों से नहीं हारे, तो इतनी नींव मजबूत थी हमारे धर्म की। ऐसे महापुरुष योगी योद्धा जो आशाराम बापू जैसे महान संत है, इनके कारण ही भारत आज भारत है। नहीं तो गांधार का कंदहार हुआ, बामियान का अफगानिस्तान हुआ, सिंध पंजाब और बंगाल का पाकिस्तान हुआ, बंगाल का बांग्लादेश हुआ, कश्मीर विवादों में घिरा हुआ है। धर्मांतरित कश्मीरी आज इस्लामिक ईमानदार ईमान वाली बात कर रहे हैं और अपनी पुरखों की परंपराओं से गद्दारी कर रहे हैं। और ऐसे भारत को बचाए रखने में जिन संतों का प्रमुख योगदान है उनमें से एक आशाराम बापू जी है। हमें सबको ये समझना होगा कि आशाराम बापू कारावास में नहीं है। आपकी सभ्यता की, आपकी धरोहर की, आपके पुरखों की पूर्वजों की पुण्याई की रक्षा करने वाला एक कवच कुंडल कारावास में डालकर आपको नंगा खड़ा किया है देश में, तो आप कैसे बचेंगे? आप कोविड के लिए सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, आप विषाणुओं के लिए पोलियो के डोज निकाल